जय हिंद। राम राम साथियों। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट फिजिकल एकेडमी में मैं राहुल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप किसी भी ARO से हैं, वैसे तो पर्सनली ये जो वीडियो है अमेठी ARO के ऊपर बना रहा हूं, लेकिन आप किसी भी ARO से होंगे तो निश्चित ही इस वीडियो से आपको भी कहीं ना कहीं एक जानकारी मिलेगी, एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। भर्ती का समय है, कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, हो सकता है कोई एक ऐसा वीडियो हो जो आपकी जानकारी का हो, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आर्मी भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि अमेठी ARO वालों को पता होगा कि जब वाराणसी और लखनऊ ARO का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी के साथ अमेठी ARO का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बट उस वजह कुछ सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से आपका PDF नहीं खुल रहा था। तो बहुत सारे लड़के ये कमेंट किए कि सर अभी तो अमेठी ARO का नहीं खुला, PDF नहीं खुला, तो आप कहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक होगा। मैंने बताया कि PDF में थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है क्योंकि एक साथ बहुत सारी अपडेट आई हैं। आज आप जाके देखेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर लगभग सभी जगह की भर्तियाँ आ गई हैं, एक साथ बहुत सारे नोटिस जारी हो रहे थे, इसलिए थोड़ा सा नोटिस खुलने में प्रॉब्लम हुआ, नोटिस ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने बताया कि आपका ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से होगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कुछ ना कुछ तो सेंस काम किया मेरा, बताया मैं। जिन्होंने विश्वास किया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनको प्रूफ अब जाके मिला। आखिर में फिर से नोटिस जारी हुआ, इस बार पूरा PDF खुला अमेठी ARO का, पूरा PDF आप देख लीजिए अच्छे से, PDF सेम है लखनऊ और वाराणसी जैसे, आपके डिस्ट्रिक्ट के नेम चेंज है क्योंकि अमेठी ARO के अंतर्गत ये नोटिस जारी हुआ है। डेट वही है 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और 3 सितंबर तक चलेंगे। वेन्यू भी वही दिया गया है, डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद। भर्ती की डेट वही है, 16 नवंबर से आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। ये कब क्लियर होगा कि आप किस की, आप जैसे कोई रायबरेली से होगा, कोई इलाहाबाद से होगा, कोई प्रतापगढ़ से होगा, सुल्तानपुर से होगा, या फिर अयोध्या जनपद से होगा, तो ये कब क्लियर होगा कि आपकी डेट कब है। तो ये जब आप पूरे तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, जब आपके एडमिट कार्ड जारी होगा, उसी में ये मेंशन किया जाता है कि किस दिन आपकी भर्ती होगी, तो उसी दिन क्लियर हो जाता है। इतना क्लियर रहता है कि एक जिले वाले कैंडिडेट एक दिन भर्ती देखने जाते हैं, अभी तक तो ऐसा ही चला है। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए दो कैंडिडेट एक ही जिले के हैं, मान लीजिए अमेठी जिला है, अमेठी जिले के दो कैंडिडेट हैं, तो अगर एक का नोटिफिकेशन में मान लीजिए 17 नवंबर दिया गया है, तो दूसरे का भी 17 नवंबर रहेगा अगर वो अमेठी ARO वो अमेठी जिले का है। तो कहने का मतलब एक जिले की भर्ती एक दिन में कंडक्ट करवाई जाती है। जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये जानकारी दे रहा था, क्योंकि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा जिला किस दिन, मेरा जिला किस दिन, वो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसी में अच्छे से मेंशन किया जाएगा, टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू, सारा कुछ उसमें दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।